वैजिब तला इब्राहिम रब याद करो जो अजमाया इब्राहिम अलह सलाम नब ने बेकलेमा कुछ हुक्मान फातमा हूँ तो अल्ला तज़रत इब्राहिम अल्ह इस्लाम ने, ने अल्लाह ताले सारे हुक्म पूरे किते है अल्लाह तेरा बहुत सारिया अजमाइशा च पाया हज़रत इब्राहिम अलहलामू ऐसे मुआरेचना पैदा किया जिथे सारे बुतपुरस्त स ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਲਮਾ بلند ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ इसमाही इस्लामू तो उन्होंने वालदा जो है अल्लाह के हकम के ना जाके काबे केसाया तो उदू बाद हज़रत साक अल्लाह तला ने उन्होंने दिते तो जिन्हें औलाद फिर फलस्तीन देसी तो हज़रत इब्राहिम अलह इस्लाम ने जिन्हें हर आजमाइश में पूरे उतरे तो अल्ला तला हुक्म पूरा करके दसिया कल जाए लोग कल इन्ना सहमामा तो जदों हर अजमाइश पूरे उतरे तो अल्लाह ने कहा मैं तैनू हूँ इमाम बनाने वाला हाँ सारे ही लोगों का सरदार और इमामत ध्यान देने वाला काला वो मिन जुरी आती दस देते तिब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह ये मेरे ना ही वादा या मेरी औलाद न भी मिलेगी कालादिस्ालमीन अल्लाह ने आख्या मेरा वादा जालमा ले नहीं चो जेड़े मेरे फरमा बरदार हो जेड़े तेरी राहते चलन गेस्ते तो वादा है कि अल्लाह तला भी सरदारी देगा तो उन्होंने भी इमामत देगा उन्होंने वास्ते भी वादा है लेकिन जेड़े जुल्मे जू छ के अपनी मर्जी का राह इख्तियारे उन्होंने वास्ते मेरा वादा नहीं वह जल नैतम सबत अलिनास और देखो जो असा घर जब बैतुल्ला जड़ा लोग आन जा जगह बना दिता कि ताकि लोग तो उ अमना और अमन की जगह बना दिता यह है कि हज़रत इब्राहिम असलामन अल्लाह तौला ने बैतुल्ला जिथे आ यदि बुनियादा दसिया कि इतने अल्लाह का घर से जोड़ा सब तो पहला घर बनाया गया इबादत वास्ते तो हज़रत इब्राहिम अल्लाम हज़रत अलैह सलाम ने उस घर फिर दोबारा बनाया और अल्लाह तला ने लोगों का फिर किबला मुकर्र करता लेकिन उदू लेक। बाद बनी इसमाल जहाँ है इन्होंने किबले छड़ के बनी इसराइल ने अपना किबला जैतुल मुक़दसू करार देता तो हूँ वह जिक्र किया जा रहा कि सब तो पहला तो यह घर है जोड़ा अल्लाह तला ने आबाद किया जिक्र आ रहा वैस जनरल बैतम सब अल्ना सिवा अमना व तखदू में मुकाम इब्राहिम मसल्ला और याद करो जो बैतुल्ला असी लोगों के आने वाली जगह सवाब की जगह यानी बार बार आन की जगह बनाई व अमना और अमन की जगह व तखदू में मुकाम इब्राहिम मसला और लोगों ने हुक्म दिता कि मुकाम इब्राहिम अपनी नमाज की जगह बनाओ जिथे उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी तो जिथे उन्होंने खड़े होकर बैतुल्ला बनाया थी तुसी नमाज़ पढ़िया करो वाहिद ना अला इब्राहिम और असा जिम्मेदारी लाई इब्राहिम अल इसलाम दी, व इसमाइला और दी, अंतरा बैतिया के मेरे घर पाक रखो लिता ए फीना तवाफ़ करन वाल आ के फीना इतकाफ करने वाल रुकए सजूद और रकू कर सइदे कर यह है जिस गर्ज़ वास्ते जो अल्लाह तला ने बनाया कि ताकि लोग आके के, लो के उदा तवाफ भी कर उ नमाजा भी कर उतकाफ भी कर और अल्लाह झुकन और अगे रेज़ हो जा ਜਿਹੜੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਹਿਵੀਲੇ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹیثیت ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ اقرار ਦੇ ਰਹੇ ਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਉਹਦਾ उड़ा तो इतकाफ़ कर नमाजा पढ़न और अल्लाह ताला दे उस दर त हाज़री देन ये बयान जेड़ा है इनू इस करके किया जा रहा कि अगे बैतुल्ला हूँ किबला करार देने का हुक्म आ रहा है क्योंकि इसको तो पहला नबी अकम सलम बैतुलमकद की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ते रहे जो पहली शरीय काबला से ਕੀਬਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸਲਾ ਅਲਮ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ-ਏ-ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਏਸੀ ਹਸਿਅਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸਲਾ ਅਲਮ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਬਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ बारकल्हली वलकुम फिलकुर लजीम वनफ़ानी बइयाकुम बिलयात वजिक